देखो आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण, और पर्यावरण पार्ट पहला है, ठीक है। पहला पार्ट है कौन सा? पर्यावरण को जाने, ठीक है। तो पर्यावरण तो जाने में हम लोग पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखो क्या लिखा है, पर्यावरण शब्द जो है दो शब्दों से मिलके बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। तो पहला शब्द है परी और दूसरा है आवरण। पहला शब्द क्या है? परी। और दूसरा शब्द क्या है? आवरण। परी माने क्या होता है? परी माने जैसे हम लोग का होता है परिसर, ठीक है। परी मतलब चारों तरफ से, आवरण मतलब घिरा हुआ। हम लोग जिस चीज से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, जो भी हमारे आस पड़ोस सब कुछ है, वो सब क्या है? पर्यावरण। क्या है? तो जो भी हमारे चारों तरफ है, जिससे हम घिरे हुए हैं, वो सब क्या कहलाता है? पर्यावरण। तो हमारे चारों जो भी दिखाई देता है, जो भी दिखाई देता है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, सभी वस्तुएं क्या है? पर्यावरण का हिस्सा है। सभी सब क्या है? पर्यावरण के हिस्सा है। अब अगला है पर्यावरण की आवश्यकता। अब देखो पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व, यहां पे क्या है? पर्यावरण की आवश्यकता और महत्व, इसके बारे में समझो। लिखा है पर्यावरण से ही पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का अस्तित्व है। सांस लेने ऑक्सीजन एवं पर्यावरण की हवा से मिलती है। इसी प्रकार जल भी समस्त जीवधारियों के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, कपड़ा, मकान की पूर्ति भी हमारा पर्यावरण करता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पर्यावरण के घटक दिख रहे हैं। ये क्या लिखा है? पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के घटक है पहला प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति से मिलता है, ठीक, वो सब क्या है? पर्यावरण के घटक। दूसरा घटक क्या है? मानव निर्मित, जो हम मनुष्य ने बनाए हैं वो भी इसके घटक हैं। तो हमारे आस पड़ोस कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रकृति ने बनाई हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य ने बनाई हैं। तो पर्यावरण के दो घटक हो गए, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक में कौन कौन से आता है? स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल और सजीव मंडल, जितने जीव जंतु हैं वो, और उसके बाद अलावा स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। मानव निर्मित में जो भी चीजें हमें दिखाई जा रही हैं, इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक, ये सब क्या है? इसके मानव निर्मित घटक हैं। तो पर्यावरण के कितने घटक हो गए? दो, पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानव निर्मित, ठीक है। अब इसको समझो, इसको देखो, ये जो हम लोग पास एक चित्र बना हुआ है, इससे हम लोग बहुत बढ़िया समझ सकते हैं। पहला है सामने देखो, सबसे पहले है पर्यावरण। पर्यावरण जो हम पढ़ रहे हैं, ये पर्यावरण किस दिन पढ़ रहे हैं? इसके दो घटक, पहला घटक है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा क्या है? मानवीय या मानवीय मानव निर्मित पर्यावरण, ठीक। तो सबसे पहले प्राकृतिक घटक में इसको दो भागों में बांटा गया है, एक जैविक, दूसरा अजैविक। जैविक क्या होता है? जिसमें जीवन होता है। अजैविक क्या होता है? जिसमें जीवन नहीं होता है। तो जैविक में दो वस्तुएं आ गई, पादप मतलब पेड़ पौधे, इसको बोल सकते हैं उपभोक्ता भी, उत्पादक भी बोल सकते हैं पादप, और दूसरा हो गया जंतु, ये होते हैं उपभोक्ता। फिर अजैविक पर्यावरण में जिसमें जीवन नहीं होता, वो होते हैं स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। इसी तरह मानव निर्मित या मानवीय पर्यावरण में क्या क्या आता है? भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण मतलब जो भी इमारतें, वस्तुएं और जो भी मानव ने बनाई है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, वो भौतिक पर्यावरण है। सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है? जो हमारे आस पड़ोस की संस्कृति है, हमारे त्योहार है, हमारी पूजा की पद्धति, रहन सहन है, वो क्या है? सांस्कृतिक पर्यावरण में आता है। तो सीधा सीधा समझ में हमें क्या आया कि पर्यावरण के पहले दो घटक हैं, पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानवीय। प्राकृतिक में जैविक अजैविक, जैविक में पादप और जंतु, ठीक है। अब जंतु को, पादप को हम बोल सकते हैं उस
उत्पादक। उत्पादक क्या होता है? जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। जंतु में क्या हो सकता है? इसको बोल सकते हैं उपभोक्ता। क्या बोल सकते हैं? उपभोक्ता। और उपभोक्ता भी तीन तरीके के लिख सकते हैं। प्रथम उपभोक्ता क्या होता है? जो शाकाहारी को खा जाते हैं, मतलब जो है हम लोग किसको खा लेते हैं? पेड़ पौधों को खाते हैं। जैसे कौन से जानवर है जो पेड़ पौधे खाते हैं? बकरी है, गाय है, ये सब क्या है? शाकाहारी। तो प्रथम उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं? जो शाकाहारी को खा जाते हैं, जैसे सेब, ठीक है, सेब, आलू, चीता। और तीसरा होता है अपघटक, जो मरी हुई चीजों को खाते हैं वो कहलाते हैं अपघटक। ये समझ में आ गया? ठीक है, बस हमारा पाठ खत्म। इसके बाद हम लोगों का ये अभ्यास कार्य है, अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक, इतना जो है अपनी किताब कॉपी निकालो, ये सब नोट कर लो।